कर्नाटक की हासन सीट से जेडीएस के लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना यौन उत्पीड़न मामले में 31 मई को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी के सामने पेश होंगे। देश छोड़ने के ठीक एक महीने बाद सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने कहा कि वो एसआईटी जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है और 31 मई को अपने खिलाफ मामलों की जाँच कर रही विशेष जाँच टीम के समक्ष पेश होंगे। एक वीडियो जारी कर प्रज्वल ने कहा कि मैं शुक्रवार यानी कि 31 मई को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से एसआईटी के टीम के समक्ष उपस्थित होऊंगा और जांच में सहयोग करूंगा। मैं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब दूंगा। मुझे न्यायालय पर भरोसा है। प्रज्वल रेवन्ना ने कहा कि 26 अप्रैल को जब चुनाव हुए तब मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं था और ना ही कोई एसआईटी बनी थी। मेरी विदेश यात्रा पहले से तय थी। मुझे आरोपों के बारे में तब पता चला जब मैं विदेश यात्रा पर था। राहुल गांधी और कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने सच्चाई जाने बिना मेरे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मेरे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश रची गई। मैं शुक्रवार यानी कि 31 मई को सुबह 10 बजे एसआईटी के सामने पेश होऊंगा और जांच से जुड़ी सभी जानकारी दूंगा। मैं जांच का समर्थन करूंगा। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के पोते और हासन लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार हैं। प्रज्वल पर महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार के कई मामलों में आरोप हैं और हासन में मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को प्रज्वल कथित तौर पर जर्मनी यात्रा पर चले गए थे। सीबीआई के माध्यम से एसआईटी द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। एसआईटी द्वारा दायर आवेदन के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने 18 मई को प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने केंद्र से उसका राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का भी आग्रह किया है।